बच्चों ने ये दूसरे वाली चीज ज्यादा बताई थी कि नैतिक विकास में इनके साथ और कौन कौन लोग शामिल थे, तो मुझे ऑप्शन पता नहीं चले, वरना अगर मैं आपको और ऑप्शन इसके साथ में बता सकता था। तो एक क्वेश्चन कोलबर्ग से पूछा गया, वाइगोत्स्की किसे तीन क्वेश्चन पूछे गए, तीन क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सीडीपी से आया, एक क्वेश्चन आपका हिंदी से आया, एक क्वेश्चन आपका संस्कृत से आया, क्योंकि देखिए वाइगोत्स्की ने भाषा पर अपने विचार रखे थे तो भाई सीडीपी में तो आने ही आने थे, लेकिन लैंग्वेज में भी वाइगोत्स्की से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वाइगोत्स्की साहब आपके एग्जाम में तीन नंबर का है। जैसे वाइगोत्स्की से संबंधित जो क्वेश्चन है वो सामने आपकी स्क्रीन पर है, वो आपके एक बच्चे ने इसको पूरा लिख कर दे दिया कि वाइगोत्स्की ने डैश विकास, अब यहाँ पर पता नहीं कौन सा विकास दिया था, कि इसकी प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर सबसे ज्यादा बल दिया। तो देखो किसकी भूमिका पर सबसे ज्यादा बल दिया था, आपके भाषा पर ही सबसे ज्यादा बल दिया था, तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये देखने को मिला। लर्निंग डिसऑर्डर से संबंधित क्वेश्चन दो देखने को मिले, ऐसा बच्चों ने बताया, डिसफेजिया देखने को मिला था जब बच्चा अपनी भाषा में फंस जाता है, डिसलेक्सिया देखने को मिला था। तो लर्निंग डिसऑर्डर आप लोग पढ़ लेना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये सीडीपी का क्वेश्चन चल रहे हैं। देखिए सीडीपी का कितना बढ़िया मटेरियल आपको देखने को मिल रहा है, एक से एक क्वेश्चन देखने को मिले जो जो आज आपकी शिफ्ट के अंदर देखने को मिल रहे हैं, बट उनके ऑप्शन देखने को नहीं मिले, क्योंकि यार बच्चों को इतने ध्यान नहीं रहते कि वो ऑप्शन भी बता सके। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन देखने को मिला कि विद्यार्थियों से अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, पैडागोजिकल क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हो ऑप्शन देखते ही कि क्या करना चाहिए। समाजीकरण के प्राथमिक और सेकेंडरी एजेंसी के बारे में पूछ लिया, कि समाजीकरण बच्चे का कहां से शुरू होता है, प्राथमिक स्कूल घर से शुरू होता है, सेकेंडरी कहां से शुरू होता है, उसके स्कूल से शुरू होता है, उसके जो स्थान में जो होता है स्कूल के बाद उसकी जो धार्मिक जो संस्थाएं होती है वहां से शुरू होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग उसकी एजेंसी के बारे में बता सकते हो। एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि पियाजे के अकॉर्डिंग अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय में वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते, एक क्वेश्चन ये पूछ लिया। अब ये क्वेश्चन या तो उसी से रिलेट है या ये क्वेश्चन एक और आपका पियाजे से अलग है, तो यहां बच्चों के अलग अलग देखने को मिले। एक क्वेश्चन आपका कि कौन सी प्रतिनिधि समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है, मैंने कहा था क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसा हो ही नहीं सकता आपके एग्जाम में देखने को ना मिले, तो क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो ऑप्शन देख लो जिसमें सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी देखने को मिल जाए आपको, वो सबसे बेस्ट और सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्रिटिकल थिंकिंग का। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला कि जो दृष्टिबाधित है, ठीक है, जो दृष्टिबाधित स्टूडेंट है उनको डैश के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, मतलब जो बच्चे देख नहीं सकते विजुअली इंपेयरमेंट बच्चे होते हैं उनको बाकी बच्चों के साथ शामिल करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, मतलब उनका समावेश करने के लिए, उनको इंक्लूजन करने के लिए एक टीचर को क्या काम करना चाहिए, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आया। और देखिए क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिले, समस्या समाधान में अवरोधक कौन कौन हो सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है, कौन कौन बाधाएं डाल सकते हैं, ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में है। सुविधा वंचित समूह वाले छात्रों को समावेशन करने के लिए, अब पता नहीं आगे क्या था भाई, वो उसकी मन की मर्जी है, तो ये क्वेश्चन ये देखने को मिला था, पेडागोजिकल क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखते ही आंसर लगा सकते हो। एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए, अब ये क्वेश्चन आ गया आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस से क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पर आप लोग इसका बता सकते हो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से। बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित हो सकती है, यह आ गया आपका आपके प्रोग्रेसिव जो स्टूडेंट होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आ गया। विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित कैसे हो सकते हैं, मोटिवेटेड कैसे हो सकते हैं, तो एक क्वेश्चन आपका मोटिवेशन से आ गया, तो मोटिवेशन का सबसे बढ़िया तरीका आपका इंटरनली मोटिवेटेड अगर कोई बच्चा तो सबसे ज्यादा वो सीख सकता है, तो ये क्वेश्चन आपका मोटिवेशन से आ गया। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, एक क्वेश्चन आपका असेसमेंट से आ गया। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आज की शिफ्ट के अंदर आपको देखने को मिले। और देखिए एक क्वेश्चन आ गया आपका सवलीन विकार से आ गया, यानी ऑटिज्म से आ गया एक क्वेश्चन, कि अगर कोई बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है, सवलीन विकार से पीड़ित है, तो उसका प्रतिनिधित्व पहचान निम्नलिखित में से क्या हो सकती है, अगर कोई बच्चा ऑटिज्म वाला है सवलीन से पीड़ित है तो बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता, सोसाइटी से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाता, तो ये उसका सबसे बढ़िया सिम्टम्स है, ऐसा ही आपके ऑप्शन में कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया। बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के ये सिद्धांत सुझाव करते हैं कि विकास प्रभावित होता है,
तो विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं? तो भाई तीन ऑप्शन बच्चे ने बताए कि सर आनुवांशिकता था, शिक्षा था, संस्कृति था, एक पता नहीं कुछ और था, टाइपिंग वाले ने कुछ लिख के ही नहीं दिया। तो भाई मेरे सामने तीन ऑप्शन आए, तो इनमें से आप लोग बता सकते हो कि कौन कौन से हो सकते हैं। एक क्वेश्चन आया कि एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय, ये शास्त्रीय से ही नहीं लिखा, पर विधियों के बारे में किस प्रकृति का इस्तेमाल होना चाहिए? तो किसका होना चाहिए? दृढ़ का, गैर लचीले का, लचीले का यानी फ्लेक्सिबिलिटी का, तो किसका होना चाहिए? इसका आंसर आप लोग लगा सकते हो। ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आज को देखने को मिले। आईक्यू से संबंधित एक क्वेश्चन आया, आईक्यू का जो टेस्ट होता है, आईक्यू का जो परीक्षण हुआ था, जब मैंने आपको कहा था, पढ़ाया था कि भाई अब आईक्यू का आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता कि आईक्यू का फॉर्मूला निकाल दिया एमए अपॉन सीए इनटू 100 और सीधा सोल्व कर दिया, नहीं, अब आपका जो है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गया, अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन आएगा अब आपका, ठीक है? तो आईक्यू का जो परीक्षण हुआ था इसको क्रिटिसाइज क्यों किया था, इसकी आलोचना क्यों हुई थी, ठीक है? ये क्वेश्चन आ गया, अभी बताऊंगा आपको एक ये चीजें कहां से पढ़नी है आपको, जो नए बच्चे जुड़े, पुराने वालों को तो सबको पता है कि कौन सी गोली देने वाले हैं। एक क्वेश्चन आ गया आपका जेंडर से और सेक्स से क्वेश्चन जुड़ा आ गया। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सेक्स होता है वो कैसी अवधारणा होती है? तो देखो सेक्स कैसी अवधारणा होती है? बायोलॉजिकल अवधारणा होती है। कैसी? बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होती है। और जो आपका जेंडर होता है वो कैसी होती है? जेंडर होता है आपका सोशल कंस्ट्रक्ट होता है। कैसा? सोशल कंस्ट्रक्ट होता है। यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। देखो सेक्स को हिंदी में भी लिंग कहते हैं और जेंडर को भी हिंदी में लिंग कहते हैं, दोनों को हिंदी में लिंग लिंग बोलते हैं, लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए सेक्स होती है बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होती है, ऊपर वाले ने बनाकर भेज दिया कि लड़का बनेगा या लड़की बनेगी, ठीक है? लेकिन समाज ने अपने रोल बता दिए कि जो लड़का होगा, जो मेल होगा वो बाहर के काम करेगा, जो फीमेल होगी वो घर के काम करेगी, इसलिए जेंडर को सोशल कंस्ट्रक्ट माना गया है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन आपके जेंडर से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन सभी जो पूछे गए थे ये पूछे गए थे आपके सीडीपी से पूछे गए थे। अब मैं बताता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन आपको कहां से मिलेंगे, कहां से ये सब चीज आपको करनी है। ये करनी है भाई आपको जिस मैराथन क्लास ने अपने आप में रिकॉर्ड बना दिए, इस मैराथन क्लास को देख लिया आपके 40 लाख प्लस लोगों ने, एक महीने के अंदर 40 लाख प्लस लोगों ने इसको देख लिया, जितने फॉर्म सीटेट के अंदर भरे गए हैं उससे ज्यादा लोगों ने इस मैराथन क्लास को देख लिया, मतलब डबल डबल बार बच्चे इसको देखते होंगे, ठीक है? तो इस मैराथन क्लास को आपको देखना है और सीडीपी के लिए आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि कोई कंसेप्ट, कोई थ्योरी, एक्स वाई जेड कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो, मान लीजिए नोट्स में से प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो। अब बात करते हैं मैथ्स के ऊपर, बात करते हैं। देखिए मैथ्स का पेपर आज कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले जो कुछ पुराने टाइम के क्वेश्चन थे जो कहीं दब गए थे, लेकिन सीबीएसई वालों ने उसको निकाला कि भाई तुम भी आ जाओ, तुम क्यों मरे पड़े हो, तुम्हें भी पूछा जाएगा, ठीक है? तो आज कुछ दो चार क्वेश्चन देखने को मिले। तो देखिए मैथ्स के मोटे मोटे क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं और फिर मैं बता देता हूं आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, उनके बारे में एक एक करके नजर डाल लेते हैं, ठीक है? जी बिल्कुल सही बात। अच्छा एक चीज और है भाई, जैसे आप लोग सेंटर से बाहर निकलते हो, जब एग्जाम देकर बाहर निकलते हो तो आप लोगों से कुछ इंटरव्यू लेते हैं, कुछ रिपोर्टर अपना बताते हैं कि भाई कहाँ से पढ़ रहे हो, आप लोग सब बताते हो, मुझे बहुत खुशी होती है कि सचिन सर से पढ़ रहे हैं, उनका पढ़ाया हुआ एग्जाम में आ रहा है। तो मुझे एक वीडियो में देख रहा था, मुझे देखकर बहुत हंसी आई, तो उसमें एक इंटरव्यू वाला बोल रहा था कि पैडोलॉजी कहाँ से पढ़ी, तो मेरे दिमाग में आया यार ये पैडोलॉजी क्या होती है, तो बच्चे ने कहा सर पैडोलॉजी बहुत सही पढ़ी। तो भाई पैडोलॉजी तो मैंने कभी पढ़ाई नहीं, पैडागोजी तो पढ़ाई है, पैडोलॉजी का क्या मतलब है? तो अगर कोई आपसे पूछे पैडोलॉजी पूछे तो कम से कम उसका सही से जवाब तो दे दिया करो कि पैडोलॉजी नहीं होती है, पैडागोजी होती है। मेरा भी नाम खराब करवाओगे पैडोलॉजी पैडोलॉजी करवा के कि पैडोलॉजी हम वहां से पढ़ रहे हैं, कहेंगे ऐसी इसके स्टूडेंट है, ऐसी पढ़ाने वाला होगा कोई जो है, ठीक है? एक इतना नाम जो चल रहा है ऑल ओवर इंडिया में, इतना नाम आप लोगों ने फैला रखा है, हर जगह यही कहते हो सर हम तो वहां से पढ़ते हैं, सचिन सर से पढ़ते हैं, और कह रहे हो कि हम पैडोलॉजी पढ़ते हैं, तो नाम डुबवा दोगे सारा का सारा एक साथ में, ठीक है? ये काम मत करा करो। चलिए अगली बात करते हैं, मैथ्स के ऊपर बात करते हैं। ये पैडोलॉजी वाला मैंने वीडियो देखा यार, मेरी हंसी बंद नहीं हुई पैडोलॉजी सुन सुन के। देखिए एक क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में कि 10,20,203 को अंकों में आपको लिखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला। तो ये आप लोग इसको सिंपल कर सकते हो, अंकों में आप लोग इसको लिख सकते हो। एक क्वेश्चन था कोई फलाना आदमी था, वो मॉर्निंग में 18 जनवरी, अब पता नहीं डेट कितनी थी वो हमें नहीं पता, उसको अपनी बहन के घर पहुंची और फिर वह कितने दिन तक वह वहां रही। ये क्वेश्चन आपका एक टाइम से क्वेश्चन संबंधित कुछ क्वेश्चन था, तो टाइम वाला क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता आपके एग्जाम में देखने को ना मिले।
तो ये क्वेश्चन टाइम का था, ये बच्चे ने ऑप्शन सात के साथ लिख रखे थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था टाइम वाले से, और मैंने कहा था टाइम का क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिला था, ठीक है। ठीक है, तो भाई पेडालोजी मैं नहीं पढ़ा था, पेडालोजी कहीं और जाके पढ़ना, तो पेडालोजी मुझे नहीं आती, पेडालोजी पढ़ानी, पेडागोजी पढ़ाता हूँ मैं, पेडालोजी नहीं पढ़ाता, ठीक है। तो अगर कोई इंटरव्यू आपसे ले तो उससे कह देना हम सचिन सर के स्टूडेंट है, हम पेडालोजी नहीं पढ़ते, ठीक है। हंस हंस के मेरा पेट पागल हो गया, मैंने कहा भाई ये बच्चे कहाँ लग रहे हैं पेडालोजी के चक्कर में। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि योगेश 30 किलोमीटर की दौड़ से दौड़ता है और किसी दौड़ को 5 मिनट में पूरा करता है, तो उस दौड़ की कितनी लंबाई मीटर में या पता नहीं किस में, उल्टा सीधा क्वेश्चन बच्चे ने यहाँ पर दिया। तो बेसिकली क्वेश्चन आपका मेजरमेंट से पूछा था, तो यार मेजरमेंट का एक नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि दो कोण जिनका योग सदैव 180 डिग्री होता है वह क्या कहलाता है। देखिए मैंने कहा कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आज से पहले नहीं पूछे गए थे, आपका सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, या जैसा आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, ये आज से पहले नहीं पूछा जा रहा था, ये बहुत पहले पूछे जाते थे, ये आपके 2018 से पहले पूछे जाते थे जब सीटेट की शुरुआत होती थी, बट आज ये नए नए देखने को मिले, सीबीएसई वालों ने आज इनको जिंदा करा कि भाई तुम भी जिंदा हो, तुम्हें भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो आज ये नए नए क्वेश्चन को देखने को मिले, तो जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो ऑनलाइन के साथ साथ पिछले वालों को भी प्रैक्टिस करते चले जाना, ठीक है। तो ये पुराने भूत नए नए खड़े हुए हैं ना, जो नए नए क्वेश्चन खड़े हुए, तो इनके ऊपर नजर डाल लेना साथ के साथ। एक क्वेश्चन इस तरीके का कुछ देखने को मिला, अब पता नहीं किस तरीके का ये क्वेश्चन थी, क्या ऑप्शन था, ये एक नंबर दिया हुआ था, इसमें के का मान निकालना था, एक क्वेश्चन ये नया देखने को मिला, ठीक है। वेन हिले की थ्योरी आपके एग्जाम आई, तो भाई वेन हिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता, शायद कोई एक आधी शिफ्ट होती है कि वेन हिले से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए, तो वेन हिले तो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। मॉक टेस्ट जितना हो सके भाई मॉक टेस्ट लगाइए, आपके एग्जाम से डेफिनेटली आपको जरूर फायदा होगा मॉक टेस्ट लगाने का, ठीक है। साइट के ऊपर जाओ और मॉक टेस्ट लगाओ। वेनिला आ गया, परवर्ती संख्या, आज से पहले परवर्ती संख्या 2-3 साल पहले से दिख रही है, पूर्ववर्ती संख्या परवर्ती संख्या नहीं दिखी ना, ये भी पुराने टाइम का है आपका, लेकिन अब सीबीएसई वालों ने कई क्वेश्चन है जिनको उखाड़ा कि ठीक है जिंदा हो जाओ, तुम्हारे अंदर कुछ सांस भरते हैं, जूस पिलाया कि जिंदा हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करो, जैसे ऑनलाइन आपने सोल्व करे कुछ 1-2 साल पहले के करे, तो पुराने वालों के ऊपर भी नजर डाल लेना। जैसे आप लोगों के पास मेरे नोट्स है, तो मैंने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं 2011 से लेकर अभी तक के दे रखे, तो इनके ऊपर नजर डाल लेना, ये पुराने नए खड़े हुए दोबारा से, ठीक है। तो ये सब पुराने वाले ही आपको दिए, बेसिकली सब आपके एनसीईआरटी के अंदर का कंटेंट है, तो हम इसलिए कह नहीं सकते कि हम इसको किसी को छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये नए नए इसलिए मैंने आपको बताया, नए नहीं है ये, सब पहले आपके सीटेट में पूछे जाते थे। फेस वैल्यू से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया, अब यार किसी ने इसको 10 लाख बताया, किसी ने 1 करोड़ की संख्या बताई, तो आप लोगों को फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू की संख्या निकालनी इजीली आती है। अभी मैं बताऊंगा ये पढ़ना कहां से है, और उतना पढ़ लेना, उससे बाहर आपको मैच पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एरिया ऑफ पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला पूछा गया, अब पता नहीं रेक्टेंगल का पूछा गया, स्क्वायर का पूछा गया, किसी का भी पूछा गया, वो आपको दोनों के फॉर्मूले पता होने चाहिए, इजीली आप लोग उसका आंसर निकाल सकते हो। रेसिप्रोकल का क्वेश्चन आ गया, फ्रैक्शन का क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर आपको फ्रैक्शन बताना था कि बड़ा है कौन सा है, छोटा कौन सा है, तो फ्रैक्शन का पूछा गया था। फ्रैक्शन का क्वेश्चन तो आपका डेफिनेटली हर बार देखने को मिल जाता है, एक शिफ्ट छोड़कर दूसरे में तो आपको देखने को मिलेगा। सिमेट्री से क्वेश्चन था, सममिति से क्वेश्चन